आज मैं आपके साथ मिक्स वेज सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो घर में अगर छोटी सी पार्टी है, कोई ओकेज़न है, आपको मेहमानों के लिए मिक्स वेज बनाना है, तो आप किस तरह से घर में आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे में है। जैसे घर में अगर कोई हम ओकेज़न रखते हैं, अगर कोई भंडारी रखते हैं, हलवाई रखते हैं खाना बनाने के लिए, बिल्कुल वही मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने सब्जियां यहाँ पे काट के रख लिया है पहले से। इसको देखिए, यहाँ पे आलू ले लिया है, इसको इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे हम फूल गोभी है, थोड़ा सा पत्ता गोभी हमने लिया है, कैबेज, ये कॉलीफ्लावर, गाजर भी है इस तरह से, इसको लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, शिमला मिर्च है, खड़े मसालों में देखिए स्टार है, यहाँ पे काली मिर्च है, जावित्री है, और ये दालचीनी है, लौंग ले लिया है, ये अपने जीरा है। तो ये सब खड़े मसाले जो हैं इनको भी हम तैयार करेंगे। तो देखिए हम किस तरह से मसाले तैयार करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक प्याज, बड़े साइज़ का प्याज है, एक छोटा प्याज उसको फाइन चॉप करके रखा है, तीन हरी मिर्च है, एक इंची का अदरक है, लहसुन है, 25 से 30 यहाँ पे कलियाँ हमने ले ली हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से हमें पहले मसालों को तैयार करना है। तो जब घर में हम हलवाई रखते हैं खाना बनाने के लिए, तो मैंने वही मेथड देखा है, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया सा सब्जी इस तरह से बनता है। आप क्या करिए, जो मसाले हैं ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक, इनको हमें कूटना है। यानी जब वो लोग कूटते हैं तो खलबट्टे पर रख के इसको हल्का सा दरदरा सा कूट लेते हैं। तो इसे हम मिक्सी में किस तरह से, बस इसे 3 से 4 राउंड आप चलाइए, सिर्फ फाइन सा आपको पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा से इसे कूट लेना है। तो यहाँ पे अदरक, हरी मिर्च, लहसुन और प्याज, ये देखिए इनको डाल के हम दरदरा सा कूट लेंगे, यानी इसे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। अब और ये जो खड़े मसाले हमने लिया है इसको भी हमें कूटना है, इसे भी फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है, बस मिक्सी के जार में हम डालेंगे, उसको दरदरा सा कूट के तैयार करेंगे। इसे बहुत बढ़िया सब्जी में फ्लेवर आता है। आप इस तरह से एक बार बना के देखिए, आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ किसी होटल में खा रहे हैं या किसी भंडारी के बनाए हुए हाथ से खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, एकदम पार्टी वेयर सब्जी है। तो घर में कोई ओकेज़न हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप देखेंगे इस सब्जी को खाने के बाद मेहमान आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आप खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मसालों को देखिए हमने सबको तैयार कर लिया, उस तरह से कूट के जैसे हमने बताया है। अब देखिए तेल यहाँ पे हमने डाल दिया है, इसको देखिए तेल हम यहाँ पे सीधे 1 से 1.5 कप आपको तेल डालना है, क्योंकि इसमें सब्जियों को फ्राई करना है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे पहले हम। तो इसमें जो गोभी है इसको अच्छे से पहले फ्राई कर लीजिए, यानी ये लाइट ब्राउन कलर तक का हो जाए तब फ्राई करिए। जो सब्जियाँ जो बनती हैं ना शादियों में, पार्टी में, तो आप देखते हैं कि सब्जी का टेस्ट कुछ डिफरेंट आता है। इसीलिए आता है कि ये जो सब्जियाँ होती हैं इनको पहले से फ्राई करके निकाल के लिया जाता है, फिर सब्जियों को बनाया जाता है, इसे बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए आप इसे 2 से 3 मिनट आँच को बिल्कुल फुल पे करके इस तरह से, आप बिल्कुल पकाना नहीं है, बस इसको फ्राई कर देना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा, अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इसी तरह से हम सब्जियों को फ्राई करेंगे, सारी सब्जियां हमें नहीं फ्राई करनी है। तो यहाँ पे हम जो फूल गोभी लिए हैं इसको फ्राई करेंगे, आलू को फ्राई करेंगे, और इसमें जो गाजर उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तो देखिए किस तरह से फ्राई करना है, आप इसे ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो सब्जियों में ये बिल्कुल गल जाएगा। आप देखेंगे इस तरह से फ्राई करेंगे तो बिल्कुल सब्जियों जब बन के तैयार होंगी तो सारी गोभी इस तरह बिल्कुल खड़ी खड़ी रहेंगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। अब देखिए इसी तेल में हम और आलू जो हमने कट करके रखा है इसको भी देखिए इस तरह फ्राई करेंगे, तो आलू भी हल्का सा सुनहरा कलर हो जाए तब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो आप मीडियम पे, मीडियम टू हाई पे आँच करके इस प्रोसेस को करिए। तो देखिए इस तरह से इसको अलट पलट के फ्राई कर लेंगे, जब इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आप इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। तो इस तरह से देखिए इतना बना रहे हैं। अगर आपको बनाना हो ज़्यादा लोगों के लिए तो आप इसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, मसालों को बढ़ा लीजिए। और घर में अगर आप छोटी सी पार्टी कर रहे हैं तो 15-20 लोगों के लिए आप इतना सफिशियंट है, आप इतनी सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 बड़े साइज़ का आलू है, उसको हमने कट कर लिया है इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में, आप देख रहे हैं बड़े बड़े पीसेस में। तो इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस में ही आपको कट करने हैं। अब ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, तो इसे भी हम ट्रांसफ़र कर लिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे जो हम गाजर काट के रखे हैं, उसको भी लंबे लंबे, देखिए थोड़े से मोटे पीसेस हैं इस तरह से। बस इसे बहुत देर नहीं फ्राई करना, बस तेल में डालिए, आँच बिल्कुल इसमें
ऑयल बहुत अच्छे से गर्म है, बस तेल में डालिए और फिर कुछ सेकंडों बाद आप इसे निकाल लीजिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से सॉफ्ट हो जाना है। मैं इसे पकाना नहीं है, बस इसमें एक हल्का सा फ्लेवर ले आना है, इसलिए इसे फ्राई करना है। तो देखिए पूरे गाजर को भी हमने निकाल दिया, अभी इसमें तेल बहुत ज़्यादा है तो तेल को हम निकाल देंगे। बस इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब तेल हम इसमें छोड़ देंगे। तो तेल को किसी अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और फिर सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे किस तरह से सब्ज़ी बहुत, आप देखिए इसमें 2 बड़े चम्मच तेल हमने सिर्फ इसमें छोड़ा है। अब चलिए इसमें तड़के में देखिए यहाँ पर डाल दिए जीरा, तो 1/2 चम्मच जीरा डाल दीजिए। उसके बाद ये जो खड़े मसाले हम दरदरे कूट के रखे हैं उसको आप डाल दीजिए तेल में। इससे क्या होगा, ऑयल में ही पूरा ये जो मसाले का फ्लेवर है बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। और ये जो हमने कूट के रखा है प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अदरक, इसको भी इस तरह से डाल दीजिए। तो ये देखिए इसको डाल के बस इसे जो कच्चापन है ये निकल जाए तब तक हमें इसे भून लेना है, यानी लहसुन और अदरक प्याज का ये कच्चापन निकल जाए। तो बस इसे 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे, उसका कच्चापन निकल जाएगा। तो इसको चलाते हुए इसी तरह से भून लेते हैं। और एक तरफ हमने टमाटर की प्यूरी भी बना के रखी है, तो 2 मीडियम साइज़ का टमाटर उसकी प्यूरी बना के तैयार करके रखा है। और यहाँ पे जो फाइन चॉप करके प्याज रखा था, 1 छोटा प्याज, उसको भी इसमें डाल देंगे। तो प्याज आप और बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि प्याज ही है जो इसमें ग्रेवी का काम करेगा, क्योंकि हमें इसमें ग्रेवी तो बनानी नहीं है। सो जैसे हम बनाते मिक्स वेज में ग्रेवी नहीं रहती है, बहुत हल्का सा पानी भी यूज़ करते हैं इसमें। तो देखिए 2 टमाटर है, ये मीडियम साइज़ से थोड़ा बड़ा था, उसको हमने पीस के देखिए इस तरह से इसका प्यूरी बना के रख लिया है। अब इस मसालों में इस पूरे टमाटर को डाल के इसे भूनेंगे। अब ये मसाला जो हमारा सब्जी का बेस है ये बन के तैयार हो रहा है। अब इसी स्टेज पे हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। नमक डालने से क्या होगा, ये जो जितना हमने मसाला इसमें ऐड किया है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं। तो नमक पहले डाल रहे हैं, तो आप बिल्कुल अंदाज से सब्ज़ी के अकॉर्डिंग डालिए। यहाँ पे हमने 1.5 स्पून डाला है। अब इसे ढक के इसे कुक होने देते हैं। आँच को अब लो टू मीडियम पे कर दीजिए। अब ये देखिए 1 से 1.5 मिनट बाद हम इसको खोल के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये मसाले जो हमने डाले थे ये बिल्कुल कच्चे मसाले सब तैयार हो गए हैं, भुन गए हैं अच्छे से, यानी इसका कच्चापन पूरा निकल गया है। अब हम इसमें सूखे पाउडर ऐड करेंगे, यानी सूखे मसाले जो हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दे रहे हैं और 1/2 चम्मच से ज़्यादा यहाँ पे हल्दी पाउडर डाले हैं। तो अब इसमें जितने सूखे मसाले ऐड करने हैं सब इसमें डालेंगे, और 1/2 चम्मच से ज़्यादा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ गरम मसाला ऐड कर दिए हैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच। अब इन सबको इस तरह से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने जो देखा था आपने जो खड़े मसाले थे वो भी गरम मसाले हैं, इसलिए इसमें 1 चम्मच हम जो पाउडर मसाला गरम मसाला उसको ऐड किए हैं। तो बहुत बढ़िया सा इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब इसे हम आँच को बिल्कुल लो टू मीडियम पे करके कम से कम 2 से 3 मिनट भून रहे हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट इसको चलाते रहिएगा कंटिन्यूसली, इसे भून लेंगे। तो देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो जाता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। तो अभी ड्राई लग रहा था, आप बहुत थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। जैसे पानी डाल देंगे तो प्रॉपरली मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी हम ऐड कर दिया। अब इसको ढक के अब फिर से इसमें थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए, तो समझ जाइए कि मसाला आपका भून गया है, यानी जो तेल है वो ऊपर आ जाना चाहिए। तो भून गया, अब हम इसमें डाल दे रहे हैं मटर। तो मटर का सीज़न है तो मटर डालना बिल्कुल मत भूलिए, मटर भी इसमें ऐड करिए। तो मटर यहाँ पे हम डाल दें 1/2 कप के करीब। अब शिमला मिर्च, देखिए ये सारी सब्जियाँ भुननी नहीं रहती हैं, इन्हें ऐसे ही आपको यूज़ करना है। कैबेज है, देखिए इस तरह से फाइन चॉप कर लिया है लंबे लंबे में, तो आप इस तरह से इसे चॉप कर लीजिए। और जो हमने सब्जियाँ भून के तैयार करके रखी है उसको भी ऐड कर देंगे। अब बस मसालों के साथ इसे अच्छे से चला दीजिए ऊपर नीचे करके प्रॉपरली, जिससे सारे सब्जियों में मसाले अच्छे से कोट हो जाएं। और इस तरह से गोभी को जब भून के डालेंगे ना, तो गोभी जो होती है वो टूटेगी नहीं, बहुत बढ़िया सी खिली खिली सी आपकी सब्जी इस तरह से रहेगी। और मिक्स वेज जब बना के तैयार करेंगे तो सारी सब्जियाँ बिल्कुल खिली खिली सी रहेंगी और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी इस तरह से बनती है। तो अब ये देखिए इसे ढक के आँच को आप मीडियम पे करके इसे कुक करिए। ये देखिए जो सब्जियाँ कच्ची डाली गई थी इसमें कैबेज और ये मटर, इसकी वजह से इसमें देखिए कितने अच्छे से पानी छोड़ रहा है, यानी जो सब्जी हमारी अभी 50% कुक हुई थी ये पानी से बिल्कुल परफेक्ट कुक हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी। यानी टमाटर इसमें जो पड़ा है मसालों में
और ये सब्जियां जो हरी पड़ी हुई हैं इसकी वजह से देखिए इसमें पानी छूट रहा। तो अब आंच को आप मीडियम टू हाई पे कर दीजिए क्योंकि हमारी सब्जी ऑलमोस्ट भुनी हुई हैं और ये देखिए सॉफ्ट भी हो गई हैं। तब ये सब्जी हमारी तैयार हो गई। अब आँच को बिल्कुल फुल पे करके आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे पकने दीजिए। तो 1 मिनट के लिए आँच को तेज पे करके इसे हम कुक कर रहे हैं। देखिए 1 मिनट बाद हम आपको दिखा रहे हैं इसमें जो पानी था पूरा सूख गया है। अब इसे अलट पलट लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा आप बीच बीच में मत चलाइएगा, बस ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो जो सब्जियाँ हैं वो टूटने लगती हैं। तो इसे बार बार नहीं चलाना होता इसमें। तो ये देखिए अब आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, यानी सब्जी हमारी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। आप देखिए जो सब्जियां हैं, गोभी हैं, सब बिल्कुल खड़े खड़े हैं, बिल्कुल कोई टूटे नहीं हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो सारी सब्जियां बिल्कुल खिली खिली रहेंगी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी इस तरह से आप इसमें आप ऐड कर दीजिए, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। और धनिया की पत्ती खूब सारे इसमें ऐड कर दीजिए। बस हमारी बन गई मिक्स फिश। तो अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी चाहते हैं तो हल्का सा पानी भी इसमें ऐड करके आप 1 मिनट के लिए फिर से कवर करके, जब आप कवर कर रहे थे 1 मिनट के लिए, इस तरह से देखिए हल्का सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से चला के बस मिक्स करके 1 मिनट के लिए आप इसे फिर से आँच को बिल्कुल फुल पे करके ढक दीजिए। अभी देखिए हमारी सब्जी कितनी बढ़िया परफेक्ट दिख रही है। तो हल्का सा पानी इसमें हमने डाल दिया है, यानी आधी कटोरी के करीब। अच्छी धनिया की पत्तियों को अच्छे से मिक्स करके बस 1 मिनट के लिए आप इसे इस तरह से आंच को बिल्कुल तेज कर दीजिए और इस तरह से आप चला लीजिए। अभी देखिए खुले खुले ही आप पकाएंगे क्योंकि आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बस इस तरह से आपको अलट पलट देना है या फिर आप इसे ढक के 1 मिनट के लिए कवर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया सब्जी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसी तरह से ड्राइड ये मिक्स वेज हमारी बनती है। तो इस तरह से ड्राइड ही आप इसे रखिए और इसे आप सर्व करिए किसी गेस्ट के सामने। आप कोई ग्रेवी वाली सब्जी उसके साथ आप ये मिक्स वेज सब्जी सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। तो ये देखिए अब इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। हम आपको भी दिखाते हैं कि कितना बढ़िया टेक्सचर है, आपको देखने से ही लग रहा है। देखिए सारी सब्जियाँ कैसे खिली खिली हैं, गोभी इसमें जो हमने डाला था वो भी बिल्कुल खड़ा खड़ा है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। हम आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको गार्निश कर दीजिए इस तरह से और डाइनिंग टेबल पे आप इसे सजाइए, जो गेस्ट आए हैं सबके सामने सर्व करिए। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया सी सारी खिली खिली सब्जियां बनके तैयार हो गई और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है ये सब्जी। तो आप कोई भी छोटा सा ओकेज़न कर रहे हैं तो आप उसे इस रेसिपी को उसमें ज़रूर शामिल करिए। आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।